ओम आक्रीम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवेश पंडा ज्योतिषाचार्य, आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले केतु के कुंभ राशि के प्रभाव के बारे में। यदि आप देखते हैं कि जन्म पत्रिका में केतु जाकर कुंभ राशि में बैठ गए तो क्या अच्छे क्या बुरे प्रभाव देंगे, इसको आज हम विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। इससे पहले हमेशा की तरह एक प्रेम भरा निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन को टच जरूर कर दें। साथ में एक बेल आइकन का बटन भी दिया हुआ है, उसे भी टच कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो आपको समय रहते मिल जाए। करें अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं केतु के कुंभ राशि के प्रभाव को। कुंभ राशि का स्वामी शनि ग्रह है। जब भी यहाँ बैठते हैं केतु महाराज बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते, हमने देखा है। यहाँ पे थोड़े से अशुभ और नकारात्मक प्रभाव जातक को मिलता है। यहाँ बैठ के केतु जातक को दुखी कर देते हैं। ऐसा जातक जीवन काल में किसी न किसी कारणवश आपको दुखी दिखेगा, सुख की कमी ला देते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप। जातक को खर्चीला कर देते हैं, ऐसा जातक काफी खर्च करने वाला, आप फिजूल खर्ची कर सकते हैं ऐसे जातक को। यहां जब भी केतु महाराज बैठते हैं जातक को भ्रमण करने के का शौकीन बना देते हैं। ऐसा जातक एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, घूमना फिरना यात्राएं करना ऐसे जातक को काफी पसंद रहता है। केतु जब भी कुंभ राशि में बैठते हैं जातक को कान संबंधी समस्याएं दे देते हैं। ऐसे जातकों को हमने देखा है कान संबंधी कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी जीवन काल में, और ऐसे जातक का जो जन्म होता है वो मध्यम वर्ग में होता है। तो आज हमने काफी कुछ बात कर ली, कल हम बात करेंगे केतु जब मीन राशि में बैठेंगे तो क्या प्रभाव देंगे। इसके साथ में यही आपसे विदा लेता हूं। जय माता दी। नमस्कार मित्रों।